दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों बीएड बीएसटीसी विवाद और 25 अप्रैल को होने वाली एग्जाम के लिए सभी मेरा युवा साथियों से मेरा संदेश है, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाए। 25 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी और जो मामले की कोर्ट में सुनवाई है बीएड और बीएसटीसी विवाद को लेकर, जहां तक मेरा मानना है कि इस मामले में किसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पर बाधा नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों कई लोग इस चीज को लेकर असमंजस की स्थिति है कि भर्ती कहीं कोर्ट में रुक ना जाए और जो हम कई सालों से तैयारी करें नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों इस मामले में जब 2 फरवरी को एग्जाम होगी, 3 फरवरी और 4 फरवरी को जो तारीख दी हुई है, यानी कि डिवीजन बेंच की 2 फरवरी को है और 3 और 4 को एकल पीठ की जयपुर और जोधपुर सुनवाई है। दोस्तों जहां तक कोर्ट में मामला पेंडिंग है, 8 फरवरी को अंतिम तिथि है आवेदन प्रक्रिया की, तो ऐसे में न्यायालय में वो बात भी रखी जाएगी सामने वकील के द्वारा कि साहब बीएड के डिग्रीधारियों को शामिल किया जाए, 8 फरवरी अंतिम तिथि है। तो दोस्तों ऐसे में राज्य सरकार न्यायालय के द्वारा या तो 8 तारीख से पहले एक और सुनवाई रखी जा सकती है इस मामले की फाइनल फैसला, या फिर वो एक अंतरिम आदेश दे सकते हैं कि फाइनल फैसला आ जाएगा लेकिन इन लोगों को बिठाया जाए, बीएड डिग्रीधारियों को बिठाया जाए। अंतरिम आदेश का मतलब बिठाना फाइनल आदेश नहीं होता, फाइनल आदेश तब होता है कि हाँ ये बैठेंगे और टीचर बनेंगे लेवल फर्स्ट में, वो फाइनल आदेश है। अंतरिम आदेश हो सकते हैं इनको बिठाया जाए क्योंकि समय के अभाव में अंतरिम आदेश हो सकता है और फाइनल डिसीजन बाद में होगा जब आर्गुमेंट होंगे, जिसमें एनसीटी भी पार्टी होगी, राज्य सरकार भी होगी, प्राइवेट बीएसटीसी वाली पार्टी और बीएड वाले भी, उसके बाद इसमें फाइनल निर्णय आना है। ऐसे भी ये वीडियो डालने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो अभ्यर्थी बार बार असमंजस की स्थिति में कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, तो मैं साथियों से ये कहना चाहूंगा अपनी तैयारी सुचारू रूप से तैयारी रखें। 25 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी, न्यायालय में या तो एक और तारीख मिलेगी या फिर उस दिन अंतरिम आदेश होंगे, इनको बिठाया जाए और फाइनल आदेश बाद में होंगे। अब दोस्तों जीत किसकी होगी, अब मैंने थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत करवा दिया था कि बीएड और बीएसटीसी मामले से मैं हट चुका हूं, जितना मुझसे सहयोग हुआ मैंने किया, लेकिन बीएसटीसी वाले भी मेरे भाई बहन है और बीएड वाले भी मेरे भाई बहन है। ऐसी स्थिति में अब न्यायालय को ही फैसला करना है कि कौन सही है कौन गलत है, किसको लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, वो न्यायालय का आदेश आना बाकी है। अब ऐसे में कुछ सुंदर कहने लगे उपेन यादव पीछे हट गया भाग गया ये है वो है, तो उन लोगों को कह दूं मैं किसी के बाप से नहीं डरता, चैलेंज मुझे पसंद होता है, लेकिन इस मामले में क्योंकि कोई भी जीते वो मेरे भाई बहन है और मेरे भाई बहनों के लिए मुझे पीछे हटना हारना सब मुझे मंजूर है। ऐसी स्थिति स्कूल व्याख्या था भर्ती हुई थी, इन लोगों ने उकसाने की कोशिश की थी, चैलेंज दिया था जिनका नुकसान कई बेरोजगार को भुगतना पड़ा था, ये फिर चैलेंज उकसाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार मैं मेरे बेरोजगारों के लिए जो मुझे लगा वो मैं कर रहा हूँ, किसी की बेखौफी में आने वाला नहीं हूँ। हाँ जहां मेरे बेरोजगार की जीत होगी वहां मैं चुप भी रह सकता हूँ, और रही बात इसमें न्याय मिले सत्यता के आधार पर हो वो न्यायालय न्याय हमेशा करता है। तो दोस्तों इसमें बीएसटीसी की तरफ से भी एडवोकेट्स होंगे, बीएड वालों की तरफ से होंगे, राज्य सरकार की तरफ से होंगे, अब निर्णय न्यायालय को करना है। और रही बात जो एक ऑडियो वीडियो वायरल करके लोगों ने आरोप लगाए थे, वो जोधपुर का था, वो वीडियो काटा हुआ था पूरा नहीं था, उस व्यक्ति ने गलत तरीके से बात की थी, तब मैंने गुस्से में आकर वो शब्द कहे थे, लेकिन उससे पहले क्या कहा बाद में क्या कहा उसको हटाया गया क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ जाती, और उसी वीडियो से लोगों को मुझे मेरे प्रति भ्रमित किया गया। लेकिन एक चीज और बता दूं कि दोस्तों जो एक खेल खेला जा रहा है कि 2000 रुपए 2 याचिका में नाम जुड़ा है, उनसे मेरा निवेदन पैसे बर्बाद नहीं करें, इन लुटेरे से बच के रहो, क्योंकि इन्होंने याचिका लगाई उनकी किसको तारीख को सुना, उससे पहले और बीएड वाले अभ्यर्थी की सुनवाई हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वकील तो किया ही ना, उन्होंने तो किसी पैसे मांगे नहीं, यानी कि एक याचिकाकर्ता के लिए फैसला नहीं होगा, आदेश होंगे तो सबके लिए होंगे, तो ऐसे में इन लोगों से बच कर रहो। और मान लीजिए व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के लिए भी आदेश हो गया ना कि याचिकाकर्ताओं को लिया जाता है, तो उस कॉपी से लोग धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं, पहले भी कई गलतियों हुआ तो वो आदेश से उसी कॉपी से उसी जजमेंट से लोग वापस अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, केवल इस पे आदेश होंगे तो अंतरिम आदेश सभी के लिए होंगे, और यदि 2 तारीख को अंतरिम आदेश हो सके, यदि आदेश नहीं हो पाए तो फिर एक और तारीख मिल सकती है 8 तारीख से पहले फाइनल डिसीजन के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अब 2 फरवरी के फैसले का इंतजार आप सबको करना होगा, लेकिन विशेषकर मेरे बीएड साथी बीएड के डिग्रीधारियों से कहना चाहूंगी लोगों की बातों से आप दूर रहें। अभी जैसे मैं आरपीएससी गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 18 सारे बीएड वाले थे, और सब लोगों ने ये कहा कि कुछ लोग केवल राजनीतिक की दुकानें बंद हो चुकी, जो लोग अपनी भर्ती नहीं करा पाए, नए नए बीएड डिग्रीधारी से जुड़े उनको पूछना कि भाई तुम 16 और 17 में थे डीबीएमएस
मामला उलझा पड़ा है, तुम तुम्हारी भर्ती नहीं करा पाए उस समय भी, क्योंकि इन्होंने 5-5 हजार 2-2 हजार रुपए पैसे लेके और इन्होंने बहुत पैसे कमाने की कोशिश, बेरोजगार को लूटने की कोशिश की थी, तभी से इनके पता चल गया कि पैसे कैसे कमाया जा सकता है। तो ये लोग केवल आप लोगों को भ्रमित करें, ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा बच कर रहे, क्योंकि दुख इसलिए होता है कि मेरा प्रदेश का बेरोजगार लूटा जा रहा है। मेरे बेरोजगार को, प्रदेश के बेरोजगार को बचाने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। अब निर्णय न्यायालय को करना है, इसलिए किसी को एक पैसा न दे, वकील सबकी तरफ से हो चुका है, अब फाइनल निर्णय केवल न्यायालय को करना है। अब न्यायालय तथ्यात्मक आधार पर निर्णय करेगा, चाहे बीएसटीसी पक्ष में आए चाहे आपके पक्ष में आए। बीएसटीसी वाले मेरे भाई बहन है, बीएड वाले मेरे भाई बहन है, लेकिन यह जरूर है कि ऐसे लोगों की दुकान आप बंद करो जो आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये कहते चैलेंज देते हैं, भाई चैलेंज तो मैंने बहुत स्वीकार है, आज तक तो तुम्हें एक चीज जीतने नहीं दी, आज तक हर मामले में जीत हुई है, लेकिन जहां मेरे बेरोजगार का सवाल आ गया, मुझे लगा कि मेरे बेरोजगार को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि भाई अब जो काम करना, जो निर्णय देना वो न्यायालय को देना। ऐसी स्थिति में मेरे इस बेरोजगारों के लिए जो मेरे भाई बहन है उनके प्रति सारी चीजें देखते हुए ये मैंने स्टैंड मैंने लिया है। अब आप सोच लीजिए कि अब जो निर्णय करना है वो न्यायालय करना है, उपेन यादव तो पेरियो कर नहीं सकता, उपेन यादव बोल नहीं सकता, तो निर्णय न्यायालय करना है, तो सबको न्यायालय का निर्णय का इंतजार करना होगा और न्यायालय के निर्णय की पालना सबको मानना करनी होगी, सबको निर्णय के जो हाईकोर्ट के निर्णय पे का आपको स्वागत करना है। तो दोस्तों सब लोग अपनी तैयारी जारी रखें, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं जो लोग केवल कई कोचिंग से भी पैसे लिए हैं, जहां तक मुझे कई लोगों ने अभ्यर्थियों ने मुझे आके बताया, और अभ्यर्थी जो 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि जो अकाउंट नंबर जारी किए हैं, यानी कि 28 दिसंबर से लेके या 29 दिसंबर से लेके या 30 या जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके अभी तक उनका वो सारा बैंक का स्टेटमेंट आपके सामने रखे, सच्चाई आपके सामने रखे, पता तो चले कितने पैसे आए, आपको कोई हिसाब नहीं, आपके पैसे को कहां यूज किया जा रहा, जबकि एडवोकेट्स आपके साथियों ने पहले कर दिए थे। मैं केवल आप लोगों को बचाने के लिए ही ये वीडियो डाल रहा हूँ, हालांकि मैंने मेरा स्टैंड साफ कर दिया, इसमें न्यायालय को देना है और न्यायालय उसी के हित में देगा जो जिनका पक्ष मजबूत होगा। रही बात अंतरिम और फाइनल आदेश में, बहुत अंतर होता है, अंतरिम आदेश 2 फरवरी को हो सकता है, 3 को जाए, 4 को जाए, और यदि इस सुनवाई में कुछ नहीं हो पाता है समय के अभाव में या किसी के जवाब नहीं मिलने से, तो ऐसे में 8 तारीख से पहले एक और तारीख मिल सकती है और उसमें फैसला हो सकता है। तो अभी तक जो लोग अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में थे कि मैं तैयारी करूँ नहीं, तो उनको तैयारी करनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया पे मेरे हिसाब से कोई बाधा नहीं आएगी, आप भेजी सको के तैयारी करें। और मेरे बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग दिमाग से निकाल दो कि आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि यदि बीएड वाले बैठ भी जाते हैं ना, तो शायद मेरे हिसाब से जो मेरे संपर्क में मैंने लोगों से मिले वो लगभग 80-90% लोग वह है जो कई महीनों से कई सालों से वो लेवल 2 की तैयारी करें। ऐसे में मान लीजिए 2 महीने वो लेवल 1 की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यायालय उनको बिठाने का आदेश देते हैं, तो उसमें आपको मानना होगा। और यदि वो तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लेवल 2 की कई सालों से तैयारी, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, तो वो उसी के एग्जाम देंगे। ऐसे में आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप इस भर्ती में तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आगामी भर्ती में यदि शामिल किया जाता है तो शायद आगामी उन लोगों को जरूर नुकसान हो सकता है, लेकिन न्यायालय के निर्णय को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि न्यायालय हमेशा निर्णय न्याय के पक्ष में देता है। इसलिए दोस्तों न्यायालय पर सबको विश्वास करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा फैलाएं और आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाए। जय हिंद, जय भारत।